वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ रामू लिखते हैं कि मुफ्त शिक्षा किसी के खैरात की मांग जैसी है, जबकि निःशुल्क शिक्षा का मतलब बिना शुल्क लगाए शिक्षा। पहला भीख जैसी मांग है, दूसरा प्राकृतिक अधिकार की मांग। हम सभी जानते हैं कि सरकारों के पास जो पैसा आता है उसके तीन मूल स्रोत है। पहला जनता पर लगने वाले विभिन्न तरह के कर, दूसरा देश के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल या बिक्री से होने वाली आय, तीसरा दूसरे देशों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय। भारत में एक चौथा आय का स्रोत बची खुची सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां है और कुछ अन्य आय। इन सभी आयों की मालिक जनता है, जिसे 5 साल खर्च करने की जिम्मेदारी हम किसी सरकार को देते हैं। सरकार हमारे इस धन से हमें कुछ वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है। सरकार कभी कभी कुछ वस्तुओं की कीमत लेती है और कुछ सेवाओं पर कुछ शुल्क लगाती है। इन्हीं सेवाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल है। दुनिया भर में ये स्थापित तथ्य है कि इन दो सेवाओं को जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके ठोस तर्क है, यानी सरकार हमारे ही पैसे हमें कुछ सेवाएं ऐसी प्रदान करती है जिस पर कोई शुल्क नहीं लेती है। सबके लिए निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य देना सरकारों का समाज के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज की आय और संपदा का मालिकाना हक सरकार के पास होता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। निःशुल्क शिक्षा की मांग किसी खैरात या दान की मांग नहीं है, ये हक की मांग है, अनुरोध है। मुफ्त नहीं, निःशुल्क शब्द का इस्तेमाल करें। मुफ्त शब्द 1990 के बाद के बाजारीकरण और उदारीकरण की देन है। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ रामू के फेसबुक वॉल से हमने इसे साभार प्राप्त किया है।